गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन योर ई वी एस क्लास टूडे इन चैप्टर फोर्टीन द स्टोरी ऑफ फूड वी विल डू सम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स ओके बच्चों इस चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड ओके सोर्सेज ऑफ फूड मतलब हमें कहाँ कहाँ से फ़ूड हम लेते हैं एज अ प्लांट हम फूड लेते हैं एनिमल्स से हम फूड लेते हैं ठीक है बच्चों तो हम इसमें सोर्सेज ऑफ फ़ूड पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्लांट्स वी विल यू वी यूज एज मेडिसिन ओके उनको हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं और वो कितने हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो हम पढ़ेंगे ठीक तो है तो इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वॉट आर द दोर्सिस ऑफ फूड फूड के क्या क्या सोर्सेस होते हैं तो फूड के मेनली दो ही सोर्स होते हैं या तो हम फूड को प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं ओके तो आंसर विल बी द सोर्सेस ऑफ फूड फूड आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स टू ग्रुप्स कौन कौन से फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकेंड एनिमल्स ओके, सो सोर्सेस ऑफ फूड को टू ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स ओके सो ने द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स वूज रूट्स आर इटन एज फूड स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज अ फूड किसी के हम रूट्स को यूज़ करते हैं किसी के लीव्स को यूज़ करते हैं कहीं पर हम स्टैम को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उन प्लांट्स के नाम बताओ जिनको हम जिनके रूट्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं ठीक है तो जिनके रूट्स को हम खाते हैं आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं बच्चों वो कैरेट कैरेट रेडिस और बीट रूट वी हैव टू गिव ओनली टू एग्जाम्पल्स तो हम लिख सकते हैं कैरेट एंड रेडिस तो हम गाजर और जो मूली है उसको हम एज रूट की फॉर्म में हम उसको खाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स वूज लीव्स आर ईटन एज फूड जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं ऐसे दो प्लांट्स को आपको नाम देने हैं तो फर्स्ट है पाइनेज एंड कैबेज ठीक है ये तीन क्वेश्चन हैं आगे के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स वूज स्टेम आर ईटन एज फूड आपको दो ऐसे प्लांट्स के नेम बताने हैं जिनके स्टेम यानी तने को फूड के रूप में खाया जाता है तो आंसर आएगा बच्चों पटैटो एंड जिंजर दे आर अंडरग्राउंड स्टैम ये ग्राउंड के अंदर के स्टैम होते हैं जनरली स्टैम्प हमें दिखाई देते हैं न है ना बट पटैटो और जिंजर जो हैं वो स्टैम ही हैं बट वो अंडरग्राउंड होता है पटैटो एंड जिंजर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द नेम ऑफ थ्री मेडिसिनल प्लांट्स स्टूडेंट्स वी यूज मैनी प्लांट्स इन आवर डेली लाइफ एज मेडिसिन लाइक तुलसी एलोवेरा और पेपरमेंट गार्लिक टर्मरिक तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं हमको कोई से तीन लिखने हैं यहाँ पर तो आपको पता है कि टर्मरिक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है एक मेडिसिनल प्लांट्स का ठीक है हम इसे बहुत जगह यूज़ करते हैं टर्मरिक हो गया और एलोवेरा एंड गार्लिक ये तीन एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर ठीक है ओके तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हैं कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हम अपनी बुक में ही करेंगे जो बुक में गिवन है हमें और इसके बाद हम इसके लॉन्ग टाइम को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे ओके बच्चों थैंक यू